अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और प्लीज़ सब दुआ करें पाकिस्तान के लिए, जिस तरह सैलाब ने पूरे पाकिस्तान के और जगह जगह से घेरे में ले लिया। अल्लाह पाक सबको सकून दें और हमारे हालात सही हो जाएं। सैलाब ज़दगान जो जो हैं उनको उनके घर मिल जाएँ, खाने को मिले, मैसर आए। सब अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को ख़त्म कर दें। आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी दाल विद लौकी, कद्दू भी कहते हैं, जुकीनी भी कहते हैं। तो ये वो वाली लौकी नहीं है, गोल वाली ना लंबी वाली, ये जुकीनी टाइप, जुकीनी जो होती है वो है, कद्दू जिसे कहते हैं वो, और खट्टी दाल। इसके लिए मैंने ये जुकीनी ले ली है, एक प्याली है मेरे पास, एक बड़ी थी कटी हुई, और एक कप जो है वो दाल है, लाल मसूर की दाल। दाल भीग गई है और अब मैंने दाल जो है वो बॉयल होने के लिए रख दी है। दाल बॉयल हो रही है, दाल अलग बॉयल होगी। और अब जो है मैं मसाला बना रही हूँ, और मैं तेल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने इसमें। ज़ीरा ऐड करने के बाद दो क्लॉव डाल दिए। अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक अब यूज़ नहीं करूँगी, नमक बाद में यूज़ करूँगी। गैस लो आ रही है आज। टमाटर जो हैं कराची में 450 रुपये किलो मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप टमाटर मतलब ले नहीं सकते। अब टमाटर का अल्टरनेट तो है वैसे दही, इमली भी यूज़ कर सकते हैं किसी किसी चीज़ में, लेकिन टमाटर तो लेने ही पड़ते हैं। तो अभी आज मैंने मंगवाए हैं टमाटर, 450 रुपये किलो हैं। हद हो गई, टमाटर इतने महंगे कर दिए। अब जो है इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट। खट्टी दाल है, खट्टी दाल विद जुकीनी, खट्टी दाल बनेगी इसमें। इस मसाले को पहले अच्छी तरह भूनेंगे हम। एक तरफ मेरी दाल बॉयल हो रही है, एक तरफ मसाला भून रहा है। पहले मसाला भूनेंगे, उसके बाद में मेरा मसाला जो है वो देखिए भून चुका है। मसाला भून गया है। अब मैं इसमें कद्दू ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अब इसको मैं जब तक पकेगा जब तक ये करना चाहे, ठीक है। अब इसको पकने देंगे, पकने तक चूल्हा स्लो कर देंगे, और अब ये जब तक पकेगा जब तक ये करना चाहे। देखिए मेरी लौकी जो है कद्दू वो भी गल चुका है, और मेरी दाल जो है ये देखें दाल है, दाल भी हो चुकी है। अब मैं इस दाल में ऐड करूँगी एक चम्मच आमचूर का पाउडर। ये आमचूर का पाउडर डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, एक चम्मच, देखें एक चम्मच नमक डाल दिया मैंने इसमें। अब आमचूर के पाउडर से ये कि इसमें अच्छी सी खटास सा एक जायका आएगा, खट्टा सा, तो इसमें बहुत मज़े की दाल बनेगी। आप बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। चटपटी खट्टी खट्टी दाल। थोड़ी सी और इसे भून लेंगे, फिर इसमें दाल को ऐड कर देंगे।
लास्ट में मैं इसमें तड़का भी लगाऊंगी, मैं दिखाऊंगी भी आपको तड़का लगा कर जो मुझे थोड़ी देर में। अब मैंने इसमें दाल का ऐड कर दिया, दाल इसमें ऐड हो गई। देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब 5 मिनट इसे बनाऊँ पकाऊँगी, फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। तैयार हो गई, अब मैं इसमें लगाऊँगी तड़का। तड़का लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी, इसके तेल में मैंने मसाला ही भुना था, बस ये थोड़ा सा तेल। और इसमें मैं डालूँगी ये लहसुन कटा हुआ, ज़ीरा, और ये मस्टर्ड सीड्स हैं, राई के दाने, और ये कड़ी पत्ता। मैं इसका तड़का लगाऊँगी। गार्लिक जो है वो रेड हो जाए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी दाल के अंदर। ये देखें दाल, देखें इस तरह से। ये फाइनल तैयार हो चुकी है दाल। इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देखो पिसा हुआ गरम मसाला। और इसमें मैं डालूँगी ये देखें हरा धनिया और ये हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं फ्राई करके डालती बट उसे कट लगाना पड़ता है, दाल मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी मिर्च उसमें स्पाइस ज़्यादा हो गया, इसमें इसको ऐसे डाल दिया मैंने। अब मेरा ये देखें लहसुन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दाल में। अब लास्ट में ऊपर से जो है ये देखें आधा लेमन जो है वो काट कर उसके बीच निकाल कर वो इसमें ऐड कर देंगे सबसे लास्ट में। देखें ये आपकी खट्टी चटपटी दाल तैयार है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है, बहुत आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें। आगे लोगों को भी मेरा लिंक दें ताकि वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी सलाम ज़दगान के लिए स्पेशल दुआ करें अल्लाह पाक से कि उनकी परेशानी दूर हो जाए और हमारे मुल्क में अमन आ जाए, अल्लाह पाक अपनी रहमत कर दें और ये बारिशों का सिलसिला थम जाए। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।